पाटोदा कस्बे में ओम कंवर सती विश्राम गृह में सोमवार को रात्रि को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदन सिंह ने बताया, अतिथियों ने महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जीतू बन्ना ने कहा, महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की बात कही। कृष्ण पाटोदा ने कहा, व्यक्तियों में अगर कोई महान व्यक्ति है तो वो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप संघर्ष के प्रतीक हैं, उनसे युवाओं को पीढ़ी को सीख देनी चाहिए। इस अवसर पर महेश शर्मा, राजेंद्र पटोदा, महावीर सिंह, श्याम चौमाल, अनेक ग्रामीण युवा शक्ति मौजूद रहे। पहले तो जो युवा साथियों ने आज जो पहल की है वो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, और अकबर और महाराणा प्रताप का भी जो कंपैरिजन बताया था थोड़ी देर पहले, किसी ने बोला था कि अकबर महान था। महानता का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, महान वो बाइबल थे। और आज के परिवेश में भी अगर मैं बात कहूँ तो वो मात्र पहले राजा थे जो प्रजातंत्र से बने थे, ना कि वो राजतंत्र से बने थे। जब उनका जन्म हुआ वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, महाराणा उदय सिंह के 28 पुत्र थे, 28 पुत्र में सबसे बड़े वो थे। उनके पट वही जैसे दशरथ और राम के साथ हुआ था, तो वैसे ही उनकी जो सबसे जो छोटी जो रानी थी उनके पुत्र थे जगमाल सिंह। उनको राजा ने पहले से ही राजा घोषित कर दिया था कि भाई वही राजा बनेंगे। जबकि होता क्या था, पहले का जो प्रयोजन था उसमें ये था कि राजा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो बनता है, और वो जब अंतिम संस्कार करने के लिए जाते थे उस टाइम पे वो राजा के साथ नहीं जाता था। बाकी जो पुत्र होते थे वो उस अंतिम संस्कार में जाते थे, बाकी वो किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता था। उसका भी रीजन था कि राजा का कोई। आज महाराणा प्रताप दिवस है जो जयंती के रूप में हमने ग्राम पाटोदा पहली बार मनाया है, और ये आज के जो युवा हैं उन्होंने बहुत बढ़िया पहल की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अभी भी महाराणा प्रताप की वर्चस्व पर कुछ अंगुली उठा रहे हैं, ये उनको मुंह पे तमाचा है कि आज जितने भी क्षेत्र के युवा हैं वो महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े सहर्ष के साथ मना रहे हैं। और ये बढ़िया लगा है कि गांव के हर युवा में ये जागरूकता आई है। इन बच्चों ने आज सुबह से लेकर अभी तक जो तैयारी की है उसका एक बढ़िया परिणाम हमें देखने को मिला है, और मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, और जितने भी युवा हैं। अपना योगदान देते रहें।